हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल। गाइस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला तीसरा ओडीआई मुकाबला और खतरनाक डिसाइडिंग मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहला मैच अगर आपने देखा होगा तो उस मैच को इंडिया ने बाजी मारा था। वहां पर सिराज ने, समी ने, जडेजा ने, कुलदीप यादव ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन वैसे ही अगर हम बात करें दूसरे मुकाबले में, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसमें बाजी मार लिया था। वहाँ पर पूरा खेल बना के ले गए मिचेल स्टार्क, वन साइडेड, फिर सीन अबाउट, जो कमी रह गई वो नैथन एलिस ने आके पूरी कर दी थी। तो आज बात करेंगे तीसरे ओडीआई मुकाबले की, क्योंकि दो मैच ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला मैच जो कि इंडिया जीती थी, दूसरा मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया जीती, अब ये तीसरा मैच, डिसाइडिंग मैच, कौन जीतने वाला है। 22 मार्च को 1:30 बजे दोपहर में टीम बनाने के लिए तैयार हो जाना, उसके बाद मिलके एंजॉय करेंगे, मैच देखेंगे, इंडिया को फुल चिल ऑन सपोर्ट करने वाले हैं। गाइस, तो देखो सारी बातें हम डिटेल में करेंगे कि पिच कैसी होगी, किसको फेवर करने वाली है, कौन कितने रन बनाने वाला है, कौन क्या करने वाला है, और इस बार कौन चलने वाला है, स्मॉल लीग के कैप्टन, वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस क्या रहने वाली है, और जीएल में हम कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, पूरे स्टैट्स के साथ यहाँ वीडियो लेके आए। तो सबसे पहले, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकेंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फोन के टॉप पे आ जाए, आपको पता चल जाए कि फैंटेसी क्रिकबॉल नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुकी है और आपको अब टीम बनाने की सिर्फ तैयारी करनी है। ज़्यादा सारे टेंशन हमारे पे छोड़ दो, सारे स्टैट्स हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारे चैनल की पूरा प्रूफ मिलने वाला है कि एग्जैक्टली हमने लास्ट कुछ मैचेस है, कहानी बहुत पहले से शुरू हुई थी, हमने जीत की कहानी शुरू की है, 10 में से 7 मैच जिताने का वादा करके लगातार क्लीन स्वीप करा रही हमारी टीम। इवन जो आपको ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं ना, आप सिर्फ जीएल कॉम्बिनेशन का हमारा ऑप्शन भी देख लेना, अगर आपको लगेगा ना कि वहाँ पर टीम में दम है, और इसके अलावा हमने खुद जो सेम टीम आपको दी उसी टीम के साथ खुद हम कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप कल का मैच भी उठा लो, तो वहाँ पर और सेम इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आ रहा है। और ये मैच बहुत बड़ा मैच, महामुकाबला, जैकपॉट मैच होने वाला है, स्मॉल लीग खेलने वालों की चांदी चांदी होने वाली है इस मैच में। गए तो इस मैच को हम बहुत डीपली कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट, आपके विश्वास और साथ की ज़रूरत हमेशा पड़ी रहेगी, और जैसा कि मिल भी रहा है, आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आप सबको थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पूरी दुनिया विमेंस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप जो हो ना हमारे जो छोटे फैंस हैं, और इतने सारे फैंस हो गए हैं, इतने अच्छे अच्छे टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं और कॉमेंट में भी आप इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो ना, तो दिल खुश हो जाता है एकदम बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया है कि हमारे इंडिया में भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबकी सोच है, अब वो सोच नहीं रहेगी कि हम विमेंस को मतलब सपोर्ट नहीं करते, या ये लड़कियों के ये क्या बताने वाली है, सब कुछ बताने वाली हूं। और इवन आप जाके पूछ सकते हो हमारे यूजर से, तो कितनी गजब की विनिंग कर रही हैं, चाहे स्मॉल लीग में चाहे जीएल के, हमारे स्टैट्स फॉलो करके उनकी रैंकिंग कितनी ज्यादा अच्छी आ रही है। तो गाइस देखो, ऐसा ही कुछ यहां भी होने वाला है, गिव अवे स्पेशल वीडियो होने वाला है। यहां पर सबसे पहले तो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का बटन दबा देना है, जिससे कि आप यहां पर गिव अवे स्पेशल ऑफर विनर बनने वाले हो। बाकी हम वीडियो के मिड मिड में आपसे 2 इजी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो दोनों आंसर बिल्कुल सही और सबसे पहले देना है, और गिव अवे विनर बनने के लिए टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, 22 मार्च 1:30 बजे दोपहर में मुकाबला शेड्यूल है। बात करेंगे मैच वेन्यू की, ये मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होने वाला है। गाइस देखो, चेन्नई की पिच के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ, आउटफील्ड थोड़ी तेज है तो वहाँ पर स्कोर बनने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको बताऊँ गेम आगे बढ़ेगा, पेसर्स को तो स्टार्टिंग से मदद होने वाली है, और जो आपके एक्सपीरियंस स्पिनर है, जैसे इस मैच में कुलदीप यादव को दिखाना पड़ेगा अपना असली चाइना मैन स्टाइल, जो कि अभी तक दिखा नहीं पूरे सीरीज में। तो इस मैच में हम उम्मीद करते हैं कि कुलदीप यादव की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा को इस मैच में खेलनी पड़ेगी बड़ी पारी, अगर मैच को निकालना है तो यहाँ पर देखो स्कोर बनेंगे, विकेट गिरेगी, पेसर को विकेट मिलेगी इनिशियल डेथ में, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद बराबर में मिलने वाली है, स्टार्स चीज़ें और क्लियर करके रख देगी। पिच पे गाइस देखो, टोटल 21 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मैच जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं। तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम भी काफ़ी ज़्यादा मैच जीत रही है, इसी से पता चलता है, ये आंकड़े आपको बताते हैं कि पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 246 है। अगर बात करें पिच के हाईएस्ट स्कोर की, तो यहाँ पर एशिया 337 एशिया 11 में 7 विकेटों खोकर बनाया था। लोएस्ट स्कोर जो कि केन्या की तरफ से बनाया गया है, 69 पे 10 विकेट खो दी थी।
किस तरह का स्कोरिंग पैटर्न बनता है तो यहाँ बात करेंगे। 200 से नीचे का स्कोर 3 बार बन चुका है, 200 से 249 का स्कोर 7 बार बन चुका है, अगर बात करें 250 से 299 की तो 8 बार बन चुका है, 299 अगर 300 प्लस की बात करें तो गाइस देखो 3 बार बन चुका है। तो यहाँ पर बड़े मुकाबले हो रहे हैं, एक हाईएस्ट स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आखिरी दोनों मैच आपने देखा होगा ना, वो पहला वाला मैच जहां पर कि ऑस्ट्रेलिया आई फर्स्ट बैटिंग करने और इंडिया के बॉलर सिमराज और शमी ने मिलकर स्टार्टिंग में ही पूरे तख्ते उखाड़ दिए और 188 रन पे पूरी ऑस्ट्रेलिया को सीमित कर दिया और 10 विकेट खो दिए ऑस्ट्रेलिया ने। उस मैच को इंडिया 5 विकेटों से जीती। सेम उस मैच का बदला ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से लिया कि यहाँ पर जब इंडिया आई फर्स्ट बैटिंग करने, वहाँ पर मिचेल स्टार्क ने एक तरफा वन साइडेड मैच को कर दिया था, स्टार्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट विकेटें उन्होंने ही ले ली। तो वहाँ पर देखो गाइज ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था कि वो मैच हम हार चुके हैं। 111-12 रन आपने बना पाए टोटल उस मैच में। और अगर बात करें उस मैच को तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया, एक भी विकेट इंडियन बॉलर नहीं गिरा पाए हैं। तो ऐसा कुछ देखो दोनों मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर चढ़ के खेलने वाली है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया टॉस जीत के चेस करे, हालांकि फर्स्ट बैटिंग को फेवर करने वाला है, लेकिन इंडिया की ना हमेशा से आदत रही है चेस करना पसंद है। हमारे चेजिंग मास्टर विराट कोहली भी ज़्यादा तभी चलने वाले हैं। अगर बात करें लास्ट कुछ मैच की तो देखो आंकड़े सामने आपके, पेसर्स को तो काफ़ी ज़्यादा मदद है, लेकिन स्पिनर को भी यहाँ पर थोड़ी मदद मिलेगी, मिडिल ऑर्डर में मदद कन्फर्म मिलने वाली है। बात करेंगे पिच पे खेले गए कुछ आखिरी मुकाबले की, जिसमें कि किस तरह का स्कोरिंग पैटर्न रहा है, किसको ज़्यादा विकटें मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इस मैच की टीम बना सकते हो कि हमें किसके साथ जाना है, किसको ड्रॉप करना है, मैक्सिमम पॉइंट हमारे पेसर दिलाने वाले हैं या स्पिनर दिलाने वाले हैं। तो बात करेंगे गाइज इंडिया और न्यूजीलैंड का वो आखिरी मुकाबला जो यहाँ खेला गया था, वहाँ पर इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 284 रन बनाए थे और 10 विकेटें खोकर, और न्यूजीलैंड उसके सामने केवल 178 रन बना पाई और पूरे विकेट खो गई। काफ़ी इजली उस मैच को इंडिया ने 106 रनों से जीत लिया, टोटल विकेटें 200 विकेट तो गिर गई वहाँ पर, लेकिन स्पिनर को आपको मिली वहाँ 8 विकेट और पेसर को वहाँ पर मिली है 10 विकेट। तो उस मैच में पेसर को ज़्यादा विकेट मिली है, लेकिन फिर भी आप एवरेज देखोगे तो काफ़ी अच्छा एवरेज स्पिनर्स का भी रोल था वहाँ पर। फिर बात करेंगे न्यूजीलैंड इंडिया वाला वो मैच था जिसमें इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए गाइस अगर बात करें 200 वहाँ पर न्यूजीलैंड ने, अरे यार गलत पढ़ लिया, हम फिर से बोलना पड़ेगा, वहाँ पर न्यूजीलैंड ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए थे और सारे विकेटें उस मैच में भी गिरी, और इंडिया ने उस मैच को काफ़ी इजीली 4 विकेटों से जीत लिया था। वहाँ पर टोटल विकेटें गिरी थी 16, जिसमें से 7 विकेट मिली आपके स्पिनर को, और अगर पेसर की बात करें तो पेसर को वहाँ पर मिली है 9 विकेट। तो इस वाले मैच में भी अगर आप देखो तो पेसर को स्पिनर से ज़्यादा मदद मिल रही है, लेकिन स्पिनर बहुत भयंकर गेम में बन रहे हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि पेसर को काफ़ी ज़्यादा मदद है, स्पिनर भी बराबर में चल रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज नोटिस करना कि यहां पर देखो ऑल आउट टीमें हो रही है, इसका मतलब कि बॉलर्स आपको ज्यादा पॉइंट दिला देंगे बैटर से भी। उसके पहले वाले मैच की बात करेंगे, पहला ओडीआई जो इंडिया न्यूजीलैंड ने खेला था उस मैच में भी न्यूजीलैंड ने फर्स्ट बैटिंग किया, 167 पे पूरे विकेट खो दिए, और उस मैच को इंडिया ने काफी इजिली 7 विकेटों से उस मैच को जीता था। तो वहां पर देखो टोटल अगर बात करें वहां पर 13 विकेट गिरी है, जिसमें से 2 विकेट स्पिनर को मिली और 9 विकेट मिली वहां पर पेसर को। तो ये वाला जो पहला ओडीआई मैच था ना, इस मैच में पेसर्स ने बाजी मार लिया। तो यहां पर आंकड़े कुछ ऐसे कहने वाले हैं कि अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया बॉलिंग करने आती है तो सिराज और समी ज्यादा पॉइंट दिलाएंगे, विकेटें सारी जाएंगी और बैटर आपको कम पॉइंट दिलाएंगे। तो फिर से वो गलती स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाने वाली, बिल्कुल मत करिएगा कि अगर फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करने आती है तो मुश्किल होने वाली है गाइस, क्योंकि आंकड़े आपके सामने हैं। तीनों ही मैच में आप देखो कि इवन पहली पारी और एक दो दूसरी पारी में भी एक बार आप देख सकते हो कि 10 विकेटें गिरी है, और अगर पहली पारी में जो भी टीम बैटिंग करने आएगी उसके पूरे विकेट जाने वाले हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तीनों मैच में ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोनों टीम की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ट्रेविस हेड, उनका साथ देते हुए दिखेंगे मिचेल मार्श। मिचेल मार्श मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं इनके ऊपर। कभी भी ये खिलाड़ी ना अपनी विकेट इजिली फेंक के नहीं जाने वाला, किसी भी मैच में अगर मिचेल मार्श खेल रहे हैं तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेबल बंदा है। इवन आप वॉइस कैप्टन के लिए भी जा सकते हो, अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो कैप्टन वॉइस कैप्टन किसी एक टीम में शफल कर सकते हो। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए जब हमारे पास बड़े बड़े नाम विराट कोहली जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं तो वहाँ
वहां पर हार्दिक पांड्या, तो थोड़ा मुश्किल होता है गाइज। लेकिन यहां पर आप, मुझे लग रहा है इस मैच में मिशेल मार्श के साथ रिस्क ही रहने वाला है, क्योंकि लास्ट दोनों मैच से चले और आखिरी मैच में क्या खेला, 70 प्लस की पारी खेली है। लेकिन फिर भी काफी सेफ ऑप्शन है। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे स्टीव स्मिथ। लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई थी, पहले वाले मैच में बैटिंग आई थी लेकिन वहां पर भी कुछ खासा परफॉर्म नहीं किए थे। उसके बाद देखने को मिलेंगे लबुशाने एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो कभी भी परफॉर्म करके दे सकता है, लेकिन टॉप ऑर्डर भी इतना गजब का है ऑस्ट्रेलिया का कि बहुत ज्यादा मौका देखो लबुशाने को नहीं मिलेगा अगर ऑस्ट्रेलिया यहां पर आती है पहले बॉलिंग करने। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आएगी तब तो लबुशाने को आप टीम में पिक कर सकते हो। उसके बाद मुझे लगता है अगर चेस करने आएगी तो वहां पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर देखने को मिलेंगे कैरी के साथ आप जा सकते हो, लेकिन हालांकि पहले वाले मैच में केएल राहुल ने जिस तरह की इनिंग खेली थी, नहीं तो वो भी मैच फंस गया था। भले ऑस्ट्रेलिया के पूरे विकेट खो गए थे 188 रन पे, लेकिन वो मैच भी फंसा था और इंडिया के टॉप ऑर्डर पूरा डिसॉल्व हो गया था। बहुत सारे लोगों से जो उम्मीद लगाई गई थी वो उम्मीद पे बिल्कुल पानी फिर चुका था। इवन हार्दिक पांड्या ने भी अभी तक पूरे सीरीज में बैटिंग से या बॉलिंग से कुछ खास कमाल दिखाया नहीं है, लेकिन उस मैच को संभाला था केएल राहुल ने। वन साइडेड विनिंग कराई, 75 रन की पारी खेली। इसके साथ ही साथ उनका साथ दिया जडेजा ने भी, जिन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों से परफॉर्म किया। और जैसे जडेजा ने तो कसम खा रखी है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ परफॉर्म करना ही है। लास्ट मैच में थोड़ा सा चूक गया, लेकिन उसके पहले आप देखो ना लगातार जो वहां पर दो टेस्ट मैच खेला वहां पर भी बने वहां पर मैन ऑफ द मैच। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली वहां पर मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, पहले ओडीआई में मैन ऑफ द मैच बने हैं, सेकेंड ओडीआई खाली चुका है, इस ओडीआई थर्ड ओडीआई में भी मुझे लग रहा है जडेजा कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो यहां पर गाइज देखो कैरी के जगह पे मुझे लग रहा है आप केएल राहुल के साथ ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। फिर नजर आएंगे कैमरन ग्रीन के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिलाएंगे। नेथन एलिस काफी खतरनाक बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप नेथन एलिस के साथ जाना। सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया मुझे नेथन एलिस उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। स्टोइनिस के साथ आप कब जाओगे जबकि ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी? स्टोइनिस के साथ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में नहीं जाना है, बिल्कुल ड्रॉप करना है। सीन अवार्ड की बात करेंगे गाइज, अवार्ड को लास्ट मैच में जिस तरह से 3 विकेटें मिली है ना, और ये खिलाड़ी ऐसा है एक बार अगर परफॉर्म कर दिया तो फिर परफॉर्म करने वाला है, और इस मैच में भी कम से कम 1-2 विकेटें तो सीन अवार्ड के खाते में जाने वाली है। फिर देखने को मिलेंगे मिचेल स्टार्क, पूरे सीरीज का सबसे सफल गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बात करेंगे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं और इंडिया के बैटर्स को काफ़ी गजब का चकमा दिया है दोनों ही मैचों में। पहले मैच में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, रन बनाना बहुत मतलब मजबूर कर दिया था, और स्टार्टिंग में वहाँ भी विकटें गिराई और लास्ट वाले मैच में तो खतरनाक परफॉर्मेंस दिया था। मतलब एक टाइम पर लग रहा था कि स्टार्क के अलावा पूरा पॉइंट सारा पॉइंट तो यही दिलाते जा रहे थे हमारी फैंटेसी में। एट लास्ट नजर आएंगे एडम जैम्पा जो कि लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं। यहां पर देखो स्पिनर्स को मदद थोड़ी कम है, लेकिन मुझे लग रहा है एडम जैम्पा बहुत इफेक्टिव नहीं रहने वाले। आप जीएल में रिस्क ऐसा ले सकते हो, स्मॉल लीग में जैम्पा को बिल्कुल आराम से ड्रॉप कर सकते हो। बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि यही वो स्टैट्स हैं जिनसे आप जीएल की प्लस एसएल की टीम इजिली बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सबको पता है कि पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। बात करेंगे ट्रेविस हेड 55, 58, 122, 5, 51 आखिरी 5 पारी में से 4 पारियों ने ट्रेविस हेड ने 50 प्लस की पारी खेली, 1 सेंचुरी भी जड़ा है। तो ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस फॉर्म का पता चलता है कि क्या गजब की फॉर्म चल रही है। फिर नजर आएंगे मिचेल मार्श 108, 56, 81, 66 आखिरी 4 के चारों मैच में डेंजरस परफॉर्मेंस। मार्श तो मुझे लग रहा है किसी और मार्च पे जाने वाले हैं। स्टीव स्मिथ 9, 26, 48, 22 आखिरी मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई थी, जरूरत ही नहीं पड़ने दी टॉप ऑर्डर्स ने। उसके बाद लबुशाने 53, 59, 66, 15 आखिरी मैच में बैटिंग नहीं आई। एलेक्स कैरी 46, 7, 3, 0 देखो एलेक्स कैरी की बैटिंग नीचे आती है प्लस परफॉर्मेंस भी बहुत खास नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि कैरी को आप ड्रॉप कर सकते हो। कैरी को ड्रॉप करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है यहाँ पर, हालांकि लास्ट मैच में कैरी ने हमको एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाया था। कैमरन ग्रीन की बात करेंगे 51, 5 विकेट 22 रन 0 विकेट 114 रन 0 विकेट 12 रन 0 विकेट आखिरी मैच में। अभी तक आखिरी 4 मैच में ग्रीन को विकेट तो नहीं मिली है, तो यहां पर आप देखो ग्रीन के साथ रिस्क ले सकते हो कि ग्रीन से बेटर ऑप्शन आपके लिए स्टोइनिस हो सकते हैं, लेकिन मैंने कब बताया जबकि स्टोइनिस सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे। नेथन एलिस 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट आखिरी मैच में 2 विकेट। स्टोइनिस की बात करेंगे 42 रन 1 विकेट 14 रन 1 विकेट 11 रन 5 रन 2 विकेट आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली थी। अवार्ड
तीन विकेट, दो विकेट, सात विकेट, जीरो विकेट, आखिरी मैच में तीन विकेट। स्टार्क की बात कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कराएंगे, पावर प्ले में बॉल डालेंगे, मिडिल में बॉल डालेंगे, डेथ में बॉल डालेंगे, हर जगह विकेट निकालेंगे। तीन विकेट, एक विकेट, एक विकेट, तीन विकेट, आखिरी मैच में पांच विकेट। आप इनका एवरेज अगर देखोगे ना, काफी खतरनाक एवरेज और कंसिस्टेंसी बहुत गजब की है मिचेल स्टार्क की। इंडिया के खिलाफ हमेशा से अच्छा किया मिचेल स्टार्क ने, परफॉर्मेंस, ओडीआई का बेस्ट बॉलर है। एडम जेम्पा की बात करेंगे, तीन विकेट, एक विकेट, आखिरी दो मैच से जेम्पा को विकेट नहीं मिली है। खलबली तो मचने वाली है यहाँ पर जेम्पा को भी विकेट लेने की, बाकी तो देखते हैं क्या होगा गाइज। यहाँ से अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप हेड, मार्स, स्मिथ के साथ सेफ जा सकते हो। इसके अलावा मुझे लग रहा है बॉलिंग में आप एलिस स्टोनिस में से किसी एक को रखना, स्टार्क और एबॉट, ये दोनों के साथ आप जा सकते हो, काफ़ी सेफ टीम बनने वाली है। बात करेंगे हमारी मैन इन ब्लू इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, तो चलिए देखते हैं गाइज। ओपनिंग करते आएंगे द हिट मैन रोहित शर्मा, जो कि जिनके की अगर मैं बात करूँ ना, ओडीआई में आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से रोहित शर्मा की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही है जो रोहित शर्मा खेला करते थे और हम इन्जॉय किया करते थे बहुत पहले, तो वैसी वाली परफॉर्मेंस देखने के लिए हम सब बेताब हैं। और इस मैच में मेरा इंट्यूशन ऐसा कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित इस मैच में कुछ अच्छा करने वाले हैं और होप्स अच्छा करें, तो इस मैच में आप रोहित शर्मा के साथ जरूर जाना। रोहित शर्मा को बड़े बड़े हिट लगाने पड़ेंगे अगर इस मैच को निकालना है। उनका साथ देते हुए देखेंगे शुभमन गिल ओडीआई का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन पहले मैच में फ्लॉप, दूसरे मैच में फ्लॉप, इस मैच में फ्लॉप नहीं होने वाले, टॉप ऑर्डर परफॉर्म करने वाला है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे। विराट कोहली द रन मशीन, बहुत सेफ प्लेयर है, आखिरी मैच में भी भले ही कम स्कोर किया, 30 स्कोर किया, लेकिन बाकी लोगों से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां पर तो सही स्कोर किया, और आपको तीन बैटर तो उठाने हैं, तो विराट कोहली तो बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, ये तो बाय डिफॉल्ट टीम में सबके रहने वाले हैं, इवन कैप्टन भी सब जाने वाले हैं इनके साथ। फिर देखने को मिलेंगे सूर्य कुमार यादव की बात करूं, T20 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ODI में बिल्कुल फेल, अभी तक मैंने किसी भी ODI में स्काई को बहुत चलते हुए नहीं देखा है। इस मैच में भी मैं बिल्कुल भी रिस्क लेने नहीं वाली हूं, आप GL में रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग में इतना रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर देखने को मिलेंगे KL राहुल आपको इधर से सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से विकेट जाती है, और कंफर्म देखो जाएगी, वहाँ एक दो विकेट जानी कंफर्म है, और KL की बैटिंग आनी है, ये 50 ओवरों का खेल है, 20 ओवरों में सिमटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर बैटिंग आएगी और KL परफॉर्म करेंगे, पहला मैच में भी किया है, यहाँ भी करेंगे। फिर देखने को मिलेंगे हार्दिक पांड्या की खासियत भी बता देती हूँ आपको, देखो बॉलिंग भी करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, और बॉलिंग का ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 7-8 ओवर कराएंगे, वहाँ पर विकेट निकाल के देंगे, इसके साथ ही साथ बैटिंग भी आती है, तो इस मैच में हार्दिक नहीं चूकने वाले हैं, जो गलती दो बार पीछे हो चुकी है वो गलती नहीं दोहराने वाले हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और बड़े मैच में ना एक दो प्लेयर के नाम हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं कि इस तरह का जब बड़ा मैच होता है, फाइनल मैच होता है, तो वहाँ पर हार्दिक का रिकॉर्ड, आपके कोहली का रिकॉर्ड, इवन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी, मुझे ये तीन बैटर पर बहुत भरोसा होता है कि आपके फाइनल्स में हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। फिर देखने को मिलेंगे रविंद्र जडेजा, अगर बात करूं सर जी की बात अगर हम करें गाइस, तो ये खिलाड़ी आपको बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करके देगा, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे कि मैंने पहले ही बताया आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लास्ट टेस्ट मैच से अच्छा कर रहे हैं और इस मैच में भी अच्छा करने वाले हैं, तो जडेजा को बिल्कुल टीम में रखिएगा, इवन आप वॉइस कैप्टन के लिए भी जा सकते हो, अक्षर पटेल को भले आप ड्रॉप कर दो, लेकिन जडेजा को ड्रॉप करने की बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। फिर देखने को मिलेंगे कुलदीप यादव का चाइना स्टाइल इस बार देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर GL के कॉम्बिनेशन में आप कुलदीप को ट्राई करिएगा। फिर नजर आएंगे शमी और सिराज का जो कॉम्बिनेशन है ना, दोनों के ही साथ हम जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही विकेट टेकर बॉलर है, और अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करने आएगी तो वहां पर शमी और सिराज ऑस्ट्रेलिया की टीम पे पूरा हावी नजर आने वाले हैं। बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पांच मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि बिना इस स्टैट्स के टीम मेकिंग इम्पॉसिबल होने वाला है, और बहुत ज्यादा स्टैट तो बहुत लोग बताने वाले हैं, लेकिन हम इतना कंफ्यूज नहीं करने वाले, स्मॉल में चीजें बताएंगे ताकि आप GL में बेटर कॉम्बिनेशन लगा सको, बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। लास्ट मैच, पांच मैच किसी भी प्लेयर का जानना बहुत कंपलसरी होता है, अगर आप किसी के आखिरी पांच मैच देख लोगे ना, पक्का बता रही हूं टीम बना पाओगे। अभी रिसेंटली सारे मैच इसी तरह के हो रहे हैं कि जो खिलाड़ी दो तीन मैच में चल रहा है ना, वो पक्का फ्लॉप हो रहा है, या जो दो तीन मैच से फ्लॉप हो रहा है वो चल रहा है, तो GL में तो आप उसी कॉम्बिनेशन से जाने वाले और स्मॉल लीग में सेफ जाने वाले, और स्मॉल लीग की तो टेंशन ही नहीं है, स्मॉल लीग की टीम तो हम देंगे आपको, वो टेंशन तो हमने अपने सर पर ले लिया, उसके लिए आप टेलीग्राम बस ज्वाइन हो जाना। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो,
बात करेंगे रोहित शर्मा 120, 63, 24, 35 आखिरी मैच में 13 रन, शुभमन गिल 126, 26, 128, 20, 0 आखिरी दो मैच से फ्लॉप, विराट कोहली 64, 35, 186, 4 रन आखिरी मैच में 31 रन, सूर्य कुमार यादव 26, 24, 8 आखिरी दो मैच से 0 पे आउट हो रहे हैं, केएल राहुल 7, 20, 18, 75 आखिरी मैच में 9 रन, हार्दिक पांड्या 21 रन 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 30 रन 4 विकेट, 25 रन 1 विकेट, यहां पर ना ही रन बने ना ही विकेट मिली है। उसके बाद बात करेंगे जडेजा की, 26 रन 10 विकेट, 11 रन 4 विकेट, 28 रन 1 विकेट, 45 रन 2 विकेट, आखिरी मैच में 16 रन बने थे, विकेट वहां नहीं मिली थी, विकेट मिलने के चांसेस ही नहीं थे, आपने 100 स्कोर ही किया था, 100 का इतना छोटा टारगेट देके कहां विकेट लेके जाओगे, वो भी मिडिल ओवर में। अक्षर पटेल की बात करेंगे, 84 रन 1 विकेट, 74 रन 0 विकेट, 27 रन 0 विकेट, 79 रन 2 विकेट, 29 रन, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली। कुलदीप यादव 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली है। शमी की बात करेंगे, 3 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, आखिरी मैच में शमी को भी विकेट नहीं मिली। सिराज 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट। शमी यहां से देखो सबसे सेफ बॉलर निकल के आ रहे हैं, और इंडिया की तरफ से आप सेफ जाना चाहते हो तो टॉप ऑर्डर उठा लेना, रोहित शुभमन कोहली, उसके बाद हमें जाने वाले हैं अगर ऑल विकेट कीपर में केएल के साथ आप जा सकते हो, कैरी के साथ भी जा सकते हो, एक ऑप्शन रहने वाला है। ऑलराउंडर में जडेजा और हार्दिक दोनों ही बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं, बॉलिंग अटैक में शमी और सिराज सबसे बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट टीम बनने वाली है। तो गाइज देखो आज का पहला गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट कौन निकाल के देगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से कमेंट कर दो कि इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट कौन निकालने वाला है, क्या स्टार्क निकालने वाले हैं या फिर से सिराज चढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें तो बाद में पता चलेगी, लेकिन आप कमेंट अभी कर दो और सबसे पहले कमेंट कर दो, एक ही विनर बनने वाला है, बार बार बताऊंगी जिसने सबसे पहले आंसर सही आंसर किया होगा। तो चलिए गाइज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे एक फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है माई मास्टर 11 फैंटेसी एप्लीकेशन, गजब का एप्लीकेशन है, फटाक से फोन उठा के डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आपको गजब के ऑफर मिल रहे हैं, पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में तहलका मचाने वाली फैंटेसी माई मास्टर 11 जो कि ऐसे ऐसे ऑफर दे रहा है जो कहीं नहीं मिलने वाला है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले, दोनों टीमें जब भी हेड टू हेड में आमने सामने आई तो उसमें गाइस देखो मैक्सिमम आपके आंकड़े यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं, 81 बार मैच जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, वहीं इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने केवल 54 मैच जीते हैं, तो आंकड़ों की अगर आप बात करोगे तो सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी दिखाई दे रही हो इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी इंडिया भी अच्छा कर रही है और इंडियन प्लेयर्स, ये इंडिया की सबसे बेस्ट टीम उतरी है, अगर यहाँ आप हार गए तो यहाँ मुश्किल होने वाली है। लास्ट मुकाबले की बात करें जब दोनों टीमें खेली थी 19 मार्च 2023, इसी मैच के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस मैच के बारे में हम तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि इंडिया के इतने धुरंधर 117 रन पे पूरे निपट गए और पूरे 10 विकेट से उस मैच में हार का सामना भी करना पड़ा, वहां पर आपके पॉइंट दिलाया मिचेल मार्श ने 66 स्कोर किया था, ट्रेविस हेड 51, दोनों ने ही हाफ सेंचुरी लगाई, सीन अबाउट 3 विकेट, एलिस 2 विकेट, स्टार्क को मिले 5 विकेट, तो ये आपके वहाँ से की प्लेयर बन के निकले थे जिसमें से कि पहले वाले मैच में भी स्टार्क और मार्श ने गजब का खेला था, तो ये दो प्लेयर तो हम चलने ही वाले हैं क्योंकि इंडिया के खिलाफ आंकड़े अच्छे, इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने 9 रन बनाए, शुभमन गिल 0 पे आउट हुए थे, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाया 31 रन बनाया, जडेजा 16, अक्षर पटेल 29, हार्दिक पांड्या ने केवल 1 रन बनाया, तो आखिरी मैच के आंकड़े तो कुछ खास नहीं है, लेकिन पहले मैच में जिस तरह से सिराज ने 3 विकेट निकाला, शमी ने 3 विकेट निकाला, जडेजा को 2 विकेट मिली, स्कोर भी किया वहां पर, तो इस तरह से चीजें आप बना सकते हो, कॉम्बिनेशन रख सकते हो कि किस प्लेयर के मैक्सिमम चांसेस हैं वहां पर चलने के। तो गाइस चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की कि इस मैच में बाजी कौन मारने वाला, मेरा प्रेडिक्शन एज यूजुअल बहुत क्लियर है कि गाइस मुझे लग रहा है इस मैच में यहां पर इंडिया इस मैच को जीतने वाली है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं हम इंडिया वाले हैं यार, इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे मैच में कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो दिल बोलेगा हम वही बताने वाले हैं, और मेरा दिल तो यही कहता है कि इंडिया इस मैच को जीतने वाली है, हम ये सीरीज अपने नाम करने वाले हैं। दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करें तो इंडिया अपने आखिरी 5 में से 4 मैच जीती है, लास्ट मैच हारी है ऑस्ट्रेलिया से, सेम इधर भी वही है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 5 में से 4 मैच जीता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक मैच हारी है, पहला ओडीआई इंडिया ने हराया था, वहाँ पर आप भी पूरे पूरे ऑल आउट हुए थे, तो याद रहने वाली है दोनों ही टीमों को, लेकिन लास्ट मिली हार से थोड़ा लेसन मिला होगा इंडिया को क्योंकि पहले वाले मैच में भी जीता जरूर था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया टॉप ऑर्डर वहाँ भी फेल हुआ था, तो वहाँ से थोड़ा तो सीख मिला होगा, इंडिया इस बार वो गलती नहीं करने वाली और इंडिया का टॉप ऑर्डर
इस बार चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलने वाला है। चलिए गाइज अपने वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की तरफ चलेंगे, बात करेंगे हमारी फैंटेसी टीम। इस कांटे की टक्कर को तो इंजॉय करने ही वाले हैं हम, लेकिन आज की टीम क्या होने वाली है, बेस्ट टीम। तो सबसे पहले करना है आपको टीम का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट रख लो, मेरी सेम टीम पे भी साथ जाओगे, खतरनाक परफॉर्मेंस होने वाली है। यहाँ पर देखो विकेट कीपर में मैंने चूज किया है केएल राहुल को। बैटर्स की बात करें तो स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, विराट कोहली द रन मशीन, ऑलराउंडर में जडेजा और हार्दिक पांड्या के साथ मैं गई हूँ। मुझे काफ़ी सेफ ऑप्शन लग रहे हैं। बॉलर में स्टार्क, अबॉट, शमी, सिराज। यहाँ पर आप एकाक चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप अबॉट को ड्रॉप करके अगर सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है तो आप स्टोइनिस के साथ जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से मुझे लग रहा है ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके किसी एक एक्स्ट्रा बैटर्स के साथ इंडिया की तरफ से अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करने आती है तो आप रोहित शर्मा के साथ जा सकते हो। तो ऐसा कुछ चेंजेस छोटा मोटा कर लिया करो यार, हमेशा मैं कहती हूँ, क्योंकि हम भी तो प्रेडिक्शन ही करते हैं, हम कोशिश करते हैं आप तक बेस्ट टीम बेस्ट स्टैट्स पहुँचाने की, लेकिन आप भी काफ़ी टाइम से खेल रहे हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो, जो थोड़े मोटे चेंजेस ना, अगर दिल कहता है कोई चीज़ तो दिल की सुन लिया करो। बाकी सजेशन के लिए तो हम आपके पास हमेशा रहने वाले हैं, आपकी टेंशन उस मैच में पूरी होगी जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं होगा। तो कैप्टन के लिए हार्दिक पांड्या काफ़ी सेफ ऑप्शन होते हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिलाते हैं वो। इस कैप्टन के लिए मिचेल मार्श के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि मिचेल मार्श मुझे बहुत सेफ ऑप्शन लग रहा है इस मैच में, आखिरी दोनों मैच में परफॉर्म किया और दोनों ही मैच में जिस तरह की पारी खेली है ना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतना इजी है मार्श को आउट करना। अपनी विकेट फेंक के जाने वाला खिलाड़ी ही नहीं है, अगर आउट भी होगा तो गलती से होगा आउट। तो यहाँ पर सेफ जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। जीएल में हम और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, तो कैप्टन के लिए हार्दिक पांड्या और स्टार्क बिल्कुल सेफ, गजब का भयंकर ऑप्शन दिया है मैंने, थोड़ा रिस्क ले लिया है। वाइस कैप्टन में कोहली द रन मशीन और मिचेल मार्श के साथ जा सकते हो। तो ये मेरे चार की प्लेयर हैं इस मैच के लिए, जो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करेंगे और हमारी फैंटेसी में चार चांद लगा देंगे, जैसे कि हमारे प्रेडिक्शन में आपके कमेंट चार चांद लगा देते हैं। तो वैसा ही गाइज इस मैच में कुछ होने वाला है। तो जीएल में ओडीआई में जीएल क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी पता नहीं होता है कि कौन क्या करने वाला है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी को फ्लॉप होते हुए और फ्लॉप फ्लॉप खिलाड़ियों को उठते हुए हमने ओडीआई में देखा है, क्योंकि इतने ओवर ही होते हैं कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या होने वाला है। लेकिन हमारा काम है आपको बेस्ट टीम प्रोवाइड करना, तो हमारी फाइनल टीम आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन जीएल में अगर आप टीम बनाते हो ना, तो रिस्क उठा लेना इस मैच में। ये विमेंस का मैच नहीं है कि आप सेफ जाओगे बार बार विराट कोहली को कैप्टन बना के। आप जीएल क्रैक करने की अगर सोच रख रहे हो ना, तो बिल्कुल ये सोच हटा दो, और कहीं से जीएल की टीम ले रहे हो ना, बहुत सारे नाम है मुझे पता है, तो वो टीमें पहले तो लेना बंद कर दो गाइस। जीएल की कोई टीम नहीं होती है, जीएल की कोई टीम आपको नहीं देगा। हम भी आपको स्मॉल लीग की टीम देते हैं और बोल के देते हैं कि हमारे टेलीग्राम पे आपको स्मॉल लीग की टीम मिलने वाली है। ऑप्शन हम आपको जीएल के दे सकते हैं, लेकिन टीम हम जीएल की नहीं देते, स्मॉल लीग की टीम देते हैं। जीएल की टीम कहीं भी कोई नहीं देगा, और कहीं से ले भी रहोगे कोई दे भी रहोगा, तो उस टीम से ना ही कभी जीते हो और ना ही कभी जीतोगे। खुद की टीम बनाओ, स्टैट्स फॉलो करो, थोड़े से प्लानिंग करो, डिस्कशन करो, मुझसे भी कर लिया करो, मैं भी कर लेती हूँ टेलीग्राम पे, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, सबको पता है यहाँ पर कि सबके रिप्लाई होते हैं। तो इस तरह की चीजें करेंगे गाइस, जिस दिन किस्मत साथ देगी। रिस्क एबिलिटी, मेंस के मैच में हमेशा रिस्क पे मैच चलता है, विमेंस में मैं कहती हूँ जीएल में भी सेफ जाओ, यहाँ रिस्क उठाना पड़ेगा, तो वो रिस्क उठाने के लिए तैयार जाओ। किस्मत साथ देगी तो ऊपर पहुंचने से, जीएल में ऊपर पहुंचने से कोई नहीं रोकने वाला है। यहाँ पर देखो फाइनल टीम हमारी विनिंग टीम आएगी, जो कि आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद 100% विनिंग टीम कह सकते हैं, वो आएगी आपको टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, और लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। गाइज मिलते हैं हम मैच में लाइनअप आने के बाद, लेकिन यहाँ पर देखो अभी तो एक दूसरा लाइनअप आएगा। गाइज देखो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का और शेयर का बटन जल्दी से दबा देना, फटाक से मेरी वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ हमारी वीडियो, हमारी इतनी मेहनत, हमारा इतना जो एक पीरियड आया हमारे स्ट्रगल टाइम का, जिसमें आपने हमारा साथ दिया है, उसमें और साथ की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचाइए, हमारी टीम पहुँचाइए कि आप विनिंग कर रहे हो। और यहाँ पर गाइस देखो हमारे गिव अवे का दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि इस मैच में मोस्ट ऑफ द सिक्सेस कौन मारने वाला है, तो बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा छक्के कौन लगाने वाला है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर से मार्श। तो फटाक से आंसर कर देना जल्दी से। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।